Good morning, student. I am Rupesh Rajan Mishra. Today I am going to teach you subject GK, class 1, page number 33, chapter 26. Listen me carefully. Chapter 26 में बोला है कि in the sky. Chapter 26 in the We see many things in the sky. हम लोग क्या देखते हैं? आकाश में अनेकों चीज देखते हैं. जैसे हो गया stars देखते हैं, moon देखते हैं, sun को देखते हैं. वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है question कि we means क्या होता है? हम लोग. See means क्या होता है? देखना. बोला है कि we see many things in the sky. हम लोग जो है आकाश में अनेकों प्रकार के चीज को देखते हैं. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 ये फिगर बनाया गया है. क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखें. पेज नंबर 33 चैप्टर 26 इन द स्काई. यहाँ पे वन नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि I am called चंदा मामा. चंदा मामा और यहाँ पे जो है डैश डैश दे दिया गया है. और यहाँ पे पूछ रहा है कि आई एम कॉल्ड चंदा मामा. मैं चंदा मामा को यानी दिया है कि आई एम कॉल्ड चंदा मामा. चंदा मामा इनको बोलते हैं हम. मून को बोलते हैं MOON. मून मीन्स होता है चंद्रमा. तो हम लोग जो है चंदा मामा किसको बोलते हैं? तो मून को. ऑलरेडी हम लोग किसको बोलते हैं? मून यानी कि चंद्रमा को जो है क्या बोलते हैं? चंदा मामा. एनी डाउट? इसे नोट करें अपने बुक में. वैसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आई गेव यू लाइट एंड हीट. बोल रहा है कि आई गेव यू लाइट एंड हीट. हमको प्रकाश और आई गेव यू लाइट एंड हीट हमें किससे मिलता है? तो सन से मिलता है. SUN सन मीन्स होता है सूरज. तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे आई गेव यू लाइट एंड हीट जो है हमको किससे मिलता है? तो सन से मिलता है. यानी सन मीन्स क्या होता है? सूर्य. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसे आप लोग नोट करते रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि वी ब्रिंग पेन फॉर यू. वी
Next question, 3 number. We bring rain for you. तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे clouds. C L O U D S. यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, इसी ऑप्शन से चुन के हमको जो है इसमें लिखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.
प्रो एथलेटिक एस्पार्ट, तो इसका हो जाएगा आंसर की लाइटिंग LIGSTMINING. लाइटनिंग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन बोले तो ऊपर से 3 नंबर ये हो जाएगा लाइटिंग। क्या हो जाएगा लाइटिंग, कैसे लिखेंगे LIGSTNING लाइटनिंग, क्या हो जाएगा लाइटनिंग। एनी डाउट यहाँ तक तो आप लोगों का कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। आपको जो है बुक वर्क में जो है इतना करना है, बुक वर्क में ही बनना है। जैसे कि मून MOON, मून मीन्स क्या होता है, चंद्रमा। हैज नॉट इट्स ऑन लाइट एवरी डे। चंद्रमा का आकार जो है या इसका शेप जो है एवरी डे प्रत्येक दिन क्या होता है, चेंज होते रहता है, यानी कि बदलते रहता है। कि आज जो है पूरा होगा तो कल जो है आधे आएंगे, तो इसलिए जो है ये शेप जो है इसका बदलते रहता है। जिस दिन पूरा आएंगे उसके कल होके आधे आएंगे। तो ये बोला गया है कि मून है नॉट इट्स ऑन लाइट, बोला है कि चेंज इट शेप एवरी डे, ये प्रत्येक दिन का शेप जो है आकार जो है चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। आपको जो है चैप्टर 26 आपको होमवर्क में HW Chapter 26 बुक वर्क में करना है इसको, और इसे लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू, गुड डे, हैव ए नाइस डे।